पानठेला था पप्पा का। फिर कुछ साल के बाद दीदी बैठती थी पानठेले पे, फिर मैं बैठता था घर में। छत के लिए कॉन्ट्री करके मासी वासी से लेके वो सोचते थे 25 25 25। तो ये यहाँ तक पहुँचना, कार लेना, मुंबई में घर लेना, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं इवेंट मैनेजमेंट करता था, मैंने सोचा था कि 50,000 पर मंथ मेरे को मिल जाए, ऐसा काम कर लूं। मेरे को जो हफ्ते का पैसा बोलता था वो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उतना पैसा मेरे को देंगे लोग, उतना महंगा हूँ मैं। मेरे को जब हिंदी मिला ना, हिंदी के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई। मुझे जो ब्रांड आते गए, फिर उन्होंने बोला इतना एक रील का इतना मिलता है, फिर वो मेरे को कोई बोले कि इतना चलेगा क्या, भाई हाँ बोल पागल है क्या, चला जाएगा, तू फालतूगिरी मत कर, ये हमारे लिए बहुत पैसा है। कभी भी लोग बोलते हैं कि यार इतना पैसा देंगे कैंसिल कर दो, मतलब भाई कैंसिल मत करना प्लीज, क्योंकि जो तू बोल रहा है ना जो अमाउंट, वो मैंने सोचा था कि साल भर में मिल जाए मुझे, वो मेरे लिए वो एक रील का पैसा बहुत कुछ है, तो तू कैंसिल मत कर, मेरे को 10 रुपए मिल रहे, मुझे चाहिए था 1 रुपए ही। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि कैसे सेलिब्रिटी बनते हैं। हेलो एंड वेलकम टू LOL पॉडकास्ट, और आज हमारे साथ है शिव ठाकरे, आम लोगों का बंदा, कॉमन मैन्स मैन। हाँ यार, है ना? इस बंदे को देखा मैंने, मीडिया में चला, सड़क पे चला तो कोई भी हाथ पकड़ लेता है, अरे भाई 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 भाई। तो शिव ठाकरे आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सच में गुस्सा आ गया यार। क्या? इस बंदे का टाइम था 6 बजे आने का, लोग जो भी टाइम होता है किसी का आने का सब पौना घंटा आधा घंटा लेट होते, इस बंदे ने हमें बिना मेकअप के देख और किसी को, और हमारी इंडस्ट्री में किसी को बिना मेकअप के देखना मतलब नंगे देखना। सच में यार, और मेरे को लगा कि मैं तो आराम से पर्स लेके आ रही थी, ठाकुर साहब आ गए, मैं कहे हैं आ गए, अब जैसे तैसे तैयार हुए हम, इधर देखो वाइट के अंदर वाइट बनियान पहनी हुई है। अरे ये तो स्टाइल है, मैं अभी सीखा हूँ कि नया नया सेलिब्रिटी बनाऊ ना थोड़ा लेट आना पड़ता है, ये चीजें पता नहीं ना टाइम पे जाने का, और ये दोनों खतरनाक है, पॉडकास्ट में कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने नहीं भाई कुछ गलत मत करना, ये लोगों को मीडिया को नहीं छोड़ते ये लोग, मतलब हम शर्मिंदा होंगे भाई के सामने कि भाई क्या हो गया। लेकिन सच में अर्ष ने कहा आम आदमी का बंदा, बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं जो जिनको ना बुलाने में डर लगता है कि वो शराब, हाँ ऐसे कह देंगे, इनकी शक्ल ही ऐसी है, ऐसे करके गले लगा ना, ऐसे भाई भाई करते हैं ना लोग ऐसे, मतलब मैंने देखा है यार, इसीलिए मैं कह रही हूँ सच में आप आम आदमी के बंदे हो, मतलब आपको हर बंदा प्यार करता है, और मैंने देखा ऐसे क्यों हो आप शुरू से के अब टीवी पे आके हंसी निकलनी शुरू हो गई। नहीं मुझे समझ में ही नहीं आता है कि कैसे सेलिब्रिटी बनते। मेरे को इतना पता है कि काम करते रहो, बट कुछ कुछ चीजें होती है मैं देखते रहता लेफ्ट राइट, यार ये करना पड़ता है क्या, या कपड़े बता, ये बोलना नहीं पड़ता है मीडिया के सामने, मैं फालतू सब कुछ बोल देता हूँ, कभी कभी चैनल की चीजें भी बता देता हूँ। अगली बार ना हम लोग उनको लेके आ रहे हैं, वो नहीं बताना था अभी तो गया ऑन एयर। बट मेरे को लगता है कि वही चीज है कि मुझे आगे लेके जा रही है। नहीं 100% हमको भी वही, इसीलिए हम जब मराठी बिग बॉस भी देखा, फिर जब हिंदी वाला बिग बॉस देखा, तो एक लगा कि यार एक आदमी जो बिग बॉस से आया है उसके हेटर्स क्यों नहीं है, उसको कमेंट पे गाली क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां आपको प्यार भी है और नफरत भी है। जिसने आपको जिस नजर से देखा आप उनको वैसे लगोगे, आपको बहुत कम गालियां पड़ती है, आपका सीजन भी मैंने देखा बहुत कम अगलीनेस हुई है। वो सीजन ही कुछ ऐसा था ना, मंडली वंडली फैमिली, वो अब्दू, उसको देख के फिर क्या ही गाली देंगे लोग। उसके वजह से हमारा भी फायदा हो गया, अरे क्यूट सा बंदा है, फिर मेरा और उसका उंगली लेके घुमाते रहते थे ना उसका, आए शिव ठाकरे अच्छा है उसको घुमाता रहता है ना, तो उसके साथ साथ हमें भी प्यार मिल गया कि नहीं यार ये अच्छा। और वो जो जोन था ना बिग बॉस में, हमेशा ऐसा होता कि आप फाइट नहीं करो तो भी उधर से आएगा कि करना पड़ेगा भाई, गेम खराब है तुम्हारा। तो इधर ना बहुत ज्यादा मस्ती ज्यादा हुई, झगड़े हुए, बट कंपेयर टू मंडली वाली चीजें लोगों को बहुत कनेक्ट हुई है, फैमिली हुई या फिर मेरी आई हुई आजी हुई, मतलब अभी उधर जाओगे आप थोड़ा छोटे शहर में जाओगे तो बिग बॉस को पहले गाली दे देते, 100% ऐसा शो नहीं देखने का, फालतू की ये क्या है, झगड़ा होता है, हाँ। सब कुछ चुगली उगली सब करेंगे, वो लोग ही करेंगे, आज ही भी करेंगे चुगली, बट वो शो को गाली दे देंगे। हाँ तो मेरे को लगता है कि वो मंडली वंडली की वजह से ज्यादा हमें प्यार मिलने लगा कि नहीं यार ये थोड़े बंदे ऐसे कि जिनको देख सकते हैं। अरे नहीं यार वो शो के बाद तो इतनी ज्यादा गर्मी थी कि भाई मंडली 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 मतलब पागलपन था। मेरे को भाई आपसे जानना है आपकी शुरुआत कैसे हुई, बिकॉज आपकी जर्नी मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा भारती वाली फीलिंग देती है कि भारती की जर्नी भी इतनी हम्बल बैकग्राउंड से रही है, और अब जब फेमस हुए तब भी वैसे ही है, कैसे आ गए, कैसे आप स्टार बन गए?
मतलब मेरे को पता ही नहीं स्टाफ बना क्या मैं अभी आप बोल आपने बोला भी बंद रहा बन गया बन गया बट भाई मैं ना मतलब मेरे को पता ही नहीं ये चीज़ें मिलती है नहीं मिलती है। मैं सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि 50,000 पर मंथ मेरे को मिल जाए ऐसा काम कर लूँ। तो बाद में थोड़े दिन बदलते गए फिर कुछ चीज़ें आ गई कि पैसे बहुत ज़्यादा आने लगे तो मेरे को समझ में ही नहीं आता। लोग लगता है कि क्या लगता है आपको कि आपको ये शो का ट्रॉफी मिलना चाहिए था आप डिजर्व करते। मतलब भाई तू शो का विनर बोल रहा है मेरे को जो हफ्ते का पैसा बोलता था वो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उतना पैसा मेरे को देंगे लोग। उतना महंगा हूँ मैं क्योंकि मैंने मेरे घर में ना जो जहाँ से शुरू किया था जैसे मैंने आपकी जर्नी देखी और वो चीज़ होती है ना कि वो स्क्रिप्ट के अलावा आप जो बोलते हो ना चैनल पे हम सब ऑडियंस है ना वो कनेक्ट होती है कि भाई भारती दीदी भी इमोशनल होती है और वो ना वैसे लोग इंडस्ट्री में कम है। हाँ, या आप दोनों का बॉन्ड होता है वो हम देख के ना तो ऐसे बहुत लोग हैं अपने जैसे कि जो रास्ता ढूंढते हैं उनको शायद ही रास्ता मिलता है और किसी ऊपर वाले की दुआ पापा की दुआ की अब हम यहाँ तक पहुँचे। तो मेरे को लगता है वो पांठेला था पप्पा का फिर उसमें से आप घर पहले कैसे घर में छत के लिए कॉन्ट्री करके मासी वासी से लेके वो सोचते थे हम 25 25 25। तो ये यहाँ तक पहुँचना कार लेना मुंबई में घर लेना ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो वो किस्मत नहीं लाया एक के बाद एक शो फिर 4 साल रिजेक्ट होके मैंने जैसे एक रोडीज़ में बताया था कि रोडीज़ में 4 साल में रिजेक्ट हुआ फिर था कि PI में आ जाओ एक बार TV में दिखूँ एक ही बार बाद में मेरे को काम मिले ना मिले एक बार TV में दिखूँ बात खत्म। तो PI के लिए मैंने 4 साल रिजेक्ट हुआ था फिर बात कर रहे हाँ फिर रोडीज है तो रोडीज मेरे को लगता है कि एक ऐसा शो है जो गली में बैठा हुआ एक बंदा अभी तो सब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से फेमस हो जाते हैं बट तब कुछ नहीं था ना सही कहा। तो फिर वो रियलिटी शो के थ्रू मेरे को रोडीज मिला उसके बाद बिग बॉस मराठी जीता और फिर लोग पहचानने लगे बिठाने लगे अच्छी जगह फिर कोई बोले तू मेरा भाई है अच्छा ऐसे होता फेमस होने के बाद भाई बहन सब सब बोल जाते हैं अपना तू भाई दोस्त है तब नहीं करेंगे पर फेमस होने के बाद ही वो कनेक्शन होता है कि वो अपना भाई है तू तब तक नहीं होगा जब आप अच्छी गाड़ी में घूमोगे तो भाई तब भाई हो तब भाई। मैंने ये सीखा है फिर अभी कि आपके दोस्त तब बदल जाते हैं आपकी फेम चली जाएगी तो उसके साथ साथ आपके रिलेशन चली जाएगी आपको रिस्पेक्ट देना भी थोड़ा कम हो जाएगा पैसे रहेंगे ये रहेंगे तो रिस्पेक्ट भी अच्छी मिलती है। बात तो सही मैं एक बुक में पढ़ा था कि आदमी की इज्जत नहीं आदमी के काम की इज्जत है आदमी गलत वे में ले लेता है। जी जी आदमी ने जो काम किया है ना आप तू जो काम करती उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है अगर ये काम नहीं कर रही होती तो भारती कौन है शिव कौन है ऐसे ना भावुक बातों में मेरी बेइज्जती मत कर दिया एग्जांपल देते जैसे भारती की उसके काम की इज्जत होती है जैसे ये काम नहीं करेगी ना तो लोग टपली मार मार के जाएंगे मेरी तब भी इज्जत करेंगे मैं हूं इतनी प्यारी क्यूट हूं मैं। ये दुनिया का परम सत्य है कि आपको इज्जत चाहिए दुनिया में तो काम कर प्यारे काम करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी जरूरत दिखानी पड़ेगी। बिग बॉस मराठी कैसे जीत गए आप मतलब मेरे को लगता है वही कि आप बाकी सब लोग आपके साथ आर्टिस्ट रहते हैं ना उनका एक अलग स्वैग रहता है कि मेरे को यही चाहिए अपने को दो रोटी मिल गई और झगड़ा करने में नहीं करूंगा झगड़ा में मेरे को नहीं चाहिए। ये वो लड़का था साफ घर मिल गया बड़ा रोटी मिल गई कैमरे में मस्त दिखना है ठीक है बात खत्म बात वो जीत गया वो उसी की वजह से जीता। आधे लोग बोलने लगे जब हिंदी बिग बॉस में आए भाई तू सरकारी नौकरी कर लेना अभी मतलब बिग बॉस की पहले मराठी क्या हिंदी क्या कन्नड़ वन्नड़ सब चले जा मतलब रहने का घर लेने की जरूरत ही नहीं तुझे मुंबई में। सीरियसली यार 3 महीने कन्नड़ा चाइनीज बिग बॉस में भी चला जाए चाइनीज भी है बिग बॉस हाँ चाइनीज भी है इंडिया में हुआ था एक बार चाइनीज बिग बॉस समझेगा नहीं ना पैसे भी थोड़े तो सही है सोते इनको लगेगा सब सो रहे ये भी सोता रहेगा कुकड़ू कुकड़ू मैं क्या करूं सब सो रहे वो जाग रहे हैं। यार भाई आपने बताया बहुत हम्बल बैकग्राउंड रहा है तो तब आप क्या करते थे लाइक आपकी दुनिया क्या थी बिकॉज मैं पता रहा मैं क्यों पूछना चाहता हूँ बिकॉज बहुत लोग ना आपने अभी इतना काम कर लिया है ना हम सिर्फ चमक देख रहे हैं जी हम चाहते हैं कि घर बैठी जो ऑडियंस है वो आपका वो स्ट्रगल भी देखे और फिर मैच करे कि इस आदमी को यहाँ पर आने में कितनी मेहनत लगी ऐसे नहीं हुआ तुक्का नहीं हो सकता तो वो टाइम बताइए ना प्लीज थोड़ा तुक्का तो नहीं है भाई मेहनत तो है ना मेहनत है या मेहनत से ज़्यादा मेरे को लगता है किस्मत भी है मतलब मेहनत बहुत लोग करते मैंने देखे मेरी आँखों से। तो मेरा इंजीनियरिंग था मैं बहुत अपना जो एवरेज है कैसे तो भी अपने को निकालना मैं इवेंट मैनेजमेंट करता था या फिर मेरे घर पे जो जैसे बोला मैंने कि पांठेला था फिर कुछ साल के बाद दीदी बैठती थी पांठेले पे फिर मैं बैठता था फिर जब मैं बड़ा हो गया मतलब बड़ा मीन्स इंजीनियरिंग में जब 20-30 हज़ार रुपये कमा लेते थे हमारे BPL का कार्ड है
कंट्रोल मिलता है। अच्छा। तो कंट्रोल मिलता है 2-3 हज़ार में, तो 15-20 हज़ार में अमरावती में घर चल जाता है। अच्छा। चला लेते, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुंबई में आओगे तो 3 हज़ार लेके आता था मैं, फैशन स्ट्रीट से कपड़े लेता था, वहाँ पे वो होता है ना स्पाइकर वाइकर लिखा होता है, डुप्लीकेट होता है, वो ना वर्ड गलत होता है थोड़ा, तो वो जाके जाने का कॉलेज में खत्म, मतलब हो गया। आपको 200 की टी शर्ट, कुछ ब्रांड अभी मेरे को तो ब्रांड के नाम भी नहीं बताओ, गुच्ची और ये सब। अभी एयरपोर्ट पे पता चलता है ये इतने लाख का है, वो पैप्स डालते हैं भाई, इतने लाख में तो हम घर लेते हैं, जितने लाख का तुम्हारा शर्ट और पैंट है ना, एग्जैक्टली उसको दुपट्टा है कुछ ऐसा, ये शॉल वॉल होती है वो भी भाई उतने में आ जाता है, एक एक कर मिल जाएगा हमारे को। हमको बोलते वही, हम जब कभी कभी देखते अरे बादशाह ने पहनी है 6.5 लाख की जैकेट, भाई आदमी बोले 6.5 लाख भाई, 2 एकड़ जमीन आ जाएगी, 2 एकड़ जमीन गांव के अंदर सच्ची बात है भाई। हाँ तो हमारा ना उधर से शुरुआत हुई थी, और इंजीनियरिंग कंप्लीट की मैंने, और फिर वो जो इवेंट मैनेजमेंट और 20-30 हज़ार वाला जोन था, तो उसके बाद पापा को घर बिठा दिया, दीदी को मम्मी ने पढ़ाया, क्योंकि उधर ऐसा होता है कि 12th या ग्रेजुएशन कराने के पहले शादी करा दो, हो गया मतलब मेन हो गया ना, अभी इससे ज़्यादा अपने पास पैसे नहीं तो फालतू कर्जा नहीं लेंगे। तो तब जाके उसको PhD कराया, एजुकेटेड, वो जो हम एरिया में स्लम एरिया में रहते थे वहाँ पे एक अच्छी चीज़ें सिखा के कि हमें अपना स्वाभिमान बढ़ाए, वो मुझे अभी काम आ रहा है सच बोलूँ तो। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे जब अच्छे लोग भी है बुरे लोग भी है, पर आप पैसों के लिए जा सकते हो किधर भी, पर अपना है कि मेरे को 2 रुपये कम चलेंगे बट मैं मेरा प्रिंसिपल मेरा स्वाभिमान लेके चलूँगा। बहुत अच्छी बात, थोड़ा पैसा धीरे कमाऊँगा, वो घर अपने को 2 BHK चाहिए, बाद में लेंगे धीरे 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 धीरे। तो वो करते करते रोडीज पहुंचा, और उसके बाद भी पैसे वैसे नहीं चालू हुए थे मेरे। बिग बॉस मराठी के बाद अभी हिंदी में आया तो मुझे लगा कि पैसा बहुत मिलता है भाई, सच्ची में कमाते लोग। तो आपने जीता तो पैसे नहीं मिले? मिला, बट वो जो अमाउंट था वो अमाउंट था आधा गवर्नमेंट लेके जाता है, ठीक है, कितना 35% तो चला जाता है। 25 लाख था, 25 लाख में से जो लास्ट के 2 कंटेस्टेंट ने उन्होंने गेम हारे, तो जो विनर की अमाउंट थी उसमें से 8 लाख चले गए हर्ष भाई, और 8 लाख में से मेरे को मिले 17 में से मुझे बैंक में आए 11.5। मतलब ये बंदा कुछ 2-3 हज़ार लेके घर पहुंचा। हाँ उसमें से वो तो कपड़े उपड़े के पैसे, हमें पता ही नहीं था पैसे देना पड़ता है, कि वो स्टाइलिश के पैसे इतने थे। हाँ। वो जो मम्मी पापा इधर पहली बार विमान में बैठ के फ्लाइट से इधर आ गए उसके पैसे भी देने पड़े, आपको देने पड़े। हाँ उन्होंने दिए नहीं, मैं बताना पड़ रहा है मेरे को। तो उसके बाद मेरे को जब हिंदी मिला ना, हिंदी के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई, हिंदी में पैसा है। फिर मुझे जो ब्रांड आते गए, फिर उन्होंने बोला इतना एक रील का इतना मिलता है, फिर वो मेरे को कोई बोले कि इतना चलेगा क्या, मतलब भाई उतना मेरे को साल भर में मिला। हाँ बोले, बोले रील करूंगा भाई। अरे नहीं भाई एक रील। हाँ बोले भाई इतना मिल रहा है इवेंट में जाने के, तो वो थोड़ा मतलब इतना कम नहीं कर रहे वो, मतलब दे नहीं रहे। बोले भाई हाँ बोल पागल है क्या, चला जाएगा तू, फालतूगिरी मत कर। ये हमारे लिए बहुत पैसा है। तो मुझे उसके बाद मेरा लाइफ सच्चे में चेंज हुआ कि ये एक साल में हुआ ये एक साल है ना, कि जिसमें 3 शो के मैंने बिग बॉस खतरों और झलक, तो मेरे को पता चला कि भाई तू महंगा हो गया है, अब तेरा डिमांड है। तो इसके बाद शायद पता नहीं और लोग आएंगे, बट तेरे को काम करते रहना है, कंटिन्यू काम करते रहे, तेरी एक दुनिया बना के रख, क्योंकि यहाँ पे आज तू है, तेरे को कोई बुला रहा है कल जाके बुलाएगा नहीं बुलाएगा, ये रीत है। करेक्ट। हाँ ये तो हाँ, तो एक एक साइकिल लगा के रख, क्योंकि इतना तो तूने सोचा भी नहीं था, और मैंने सच्ची में नहीं सोचा था इतना पैसा मिलता है। करेक्ट। लड़की भी मिल जाएगी, अभी सब कुछ हो जाएगा, लड़की तो मिलेगी भाई। आप अरे यार आप तो हो एक तो हैंडसम आदमी, ठीक है, अभी आप बोलते हो कि यार हम ना स्लम में रहते थे, बट आपको देख के ना कोई बोलेगा नहीं, सिंघानिया साहब के बेटे लग रहे हो आप। नहीं नहीं ये अभी अभी लग रहा हूँ, वो फोटो मैं दूंगा तुम्हें, वो मैं फोटो दूंगा पहले वाला, पैसे थोड़े सा दांत में थोड़ी फट है, पैसे थोड़ी से आए ना तो प्रीमियम लेना पड़ा, बाल ऐसे ये हुए हुए है ऐसे लगता है कहीं तो भी 4-5 वो चाय की टपरी पे खड़ा वैसा एक बंदा, वैसे ही होते सब लोग, वो गरीब नहीं होते, उनके पास पैसे ही नहीं होते। अब हाँ तो अभी जाके थोड़े से पैसे मिल रहे तो सनस्क्रीन लगाना पड़ता है, क्रीम, और वो बाल के लिए एक आदमी बुलाया मैंने, उसने सेट करके दिया, अभी मैं थोड़ा इंसानों में लग रहा हूँ, लग रहा है कि अमीर का बेटा,
हूँ मैं गरीब का ही बट यार जब आपने बोला तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, या जब रोडीज के ऑडिशन में जाते थे तो मम्मी या पापा बोलते थे कि ये काय करतो है, फालतू गिरी है ये, ऐसा काय नहीं पडला है, मुलगी नहीं देणार कोणी, तू काय करतो है, म्हणजे कुठला शो है, कोणी बघते का, मतलब जाऊ दे, मतलब बेशरम है, मतलब तो आप बोलते रहो, मेरे को मेरा काम करना है, मतलब होईल कुछ ना कुछ अच्छा होगा, पर उनका था कि इंजीनियरिंग हुआ है तेरा, तू जॉब कर मत, अच्छा प्रॉपर इंजीनियर हो, हां हुआ मेरा, एक साल लेट हुआ मैं, बट हुआ हूं इंजीनियर, बहुत बड़ी बात है, हमारे साथ बैठे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं खुद, हम भी भाई ऑलमोस्ट चौल में ही रहते थे, तो हम भी आसपास थे, कोई इंजीनियरिंग तक पहुंचा नहीं है भाई, क्योंकि उससे पहले आदमी गिव अप कर देता है और काम पे लगा जाता है, कुछ ना कुछ कर देता है कि भाई रहने दे, नहीं यार अभी अपने बस का नहीं, वो चार साल दे के उनको पहले फीस दो साल भर का। मैंने खुद अपना एजुकेशन बीच में ही छोड़ दिया, जब मैं राइटिंग करने लग गया तो मेरे को जब पहली स्क्रिप्ट का पैसा मिला, मैंने बोला ये मेरी फीस से ज्यादा है भाई। बट अभी अभी आपका भी हमें नहीं पता किसी को कि आपने कहाँ से शुरू किया, एकदम से अभी पता चल गया कि खतरों में देखा, ये शो में देखा, राइटर हो, बहुत सब चीज है, बट आपका कब से शुरू हुआ? मैंने यार मैं स्कूल में लिखता था यार, पॉडकास्ट शिफ्ट हो गया मैं इनकी साथी, बताइए ना आपकी शुरुआत कैसे हुई? तो मैं बताता हूँ कि मेरी शुरुआत हुई, यार मैं स्कूल से लिखता था पोइट्री लिखता था, फिर लिरिक्स लिखने लग गया, फिर लिरिक्स में कुछ हुआ नहीं, यही अपना जहाँ ऑफिस है वही गली में घूमता रहता था, वहाँ से किसी ने मेरे को लापतागंज का दिया नंबर, फिर वहाँ कुछ एक दो एपिसोड। तो आपको पहले से पैसे देना चालू हो गए क्या, मतलब पैसे मिलना? इनिशियली बहुत कम मिले, पहले फर्स्ट पेमेंट थी मेरी 10,000, फिर मेरी थी 15,000, फिर 30,000, फिर लाख। कहाँ है वो पहले बार तो कॉमेडी सर्कस में आप, मैं वो कहानी है, वो किस्सा है भारती, मैं गया और कॉमेडी सर्कस के वो टाइम पे दिग्गज राइटर, आज भी वो राइटर्स बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर राइटर है, राज चांडेलिया, अंबरदीप सिंह, ये सब तगड़े राइटर्स, ये सब लोग घूमने गए थे। उस दिन मैं गया स्क्रिप्ट सुनाने, किसी की स्क्रिप्ट थी नहीं, तो मैंने बोला ये सुन लोगे, तो उन्होंने सुनी, अरे हंसे बहुत अच्छा है, ये लगा लो, ये कृष्णा सुदेश को दे दो, हाँ ये भारती को दे दो, ये सुनील पाल को दे दो, ये VIP को दे दो, तो मेरी चार स्क्रिप्टें हुई, ठीक है। अब मुझे बोला के जब बिल देने की बारी आई तो बोला हर्ष यूजुअली तो हम 18 करते हैं लेकिन इस बार आप थोड़ा 16 कर दो, नेक्स्ट टाइम थोड़ा बजट का इशू है तो हम 16 दे पाएंगे आपको। तो अभी मेरे को लग रहा है 1600 बोल रहा है या 16,000 बोल रहा है, तो मैंने मेरे पापा को कॉल किया, मैंने बोला पापा चार स्क्रिप्टें हैं, उन्होंने 16 बोला है, तो बोलते हर्ष हो ही नहीं सकता, 16,000 तो नहीं होगा, चुपचाप वो कर दे, हंसेंगे तेरे पे, तो 1600 का बिल भर चुपचाप, वो भी बुरा पैसा नहीं है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, फिर मैंने स्मार्टली, मैंने जो एक दूसरे अकाउंटेंट थे, मैंने बोला अंकल आप ही भर दो ना, उन्होंने 16 बोला है तो उन्होंने 16,000 लिखा, मेरा बोला यही लिखने दो, इसको तो पता ही होगा 1600 की 16,000। तो दीपक चौहान करके वो थे, तो दीपक चौहान ने फिर लिखा वो 16,000, तो मैंने बोला मिनट आया मैं भागा बाहर, 16,000 16,000 है, पापा बोलते नहीं नहीं सच्ची, मतलब नहीं बिल दिया, वो लोग देंगे मुझे पैसा, कभी आता है, फिर बोला इनवॉइस, वो टाइम पे कैमरे वाला फोन भी नहीं, कुछ फोटो भी खींच के नहीं सबूत दे पाया, बट विद इन 20-25 डेज वो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करके 10% TDS काट के वो पैसा जब आया तो मैं तो पागल हो गया। उसके शायद एक दो हफ्ते में उन्होंने मुझे बोला इन हाउस आ जाओ आप और हम आपको 1,00,000 रुपया पगार देंगे महीने की। एक नंबर भाई वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, मैं कॉलेज अपना सर्टिफिकेट लेने भी नहीं गया, मैं गया ही नहीं, मैंने बोला प्रिंसिपल 80,000 कमा रहा होगा, ये बच्चों को क्या शिक्षा दे रहा हूं भाई, प्रिंसिपल 80,000 कमाता होगा मेरे कॉलेज का भाई, मैं लाख कमा रहा हूं। थे कि बैक बेंचर थे? नहीं चटाई बेंचर, ये तो मतलब पीछे ये तो निकल जाते थे। मैं मेरे साथ वाले सब फेल होते थे, मैं इकलौता पास होता था, वो भी एकदम जगह पे, तो टीचर का ये होता था कि सबको बोलते बोले ये इससे दूर रहना, ये खुद पास हो जाएगा, बाकियों को फेल, तुम सब फेल हो जाओगे। और मैं दो बार फेल भी हुआ अपनी लाइफ में, दो बार प्रॉपरली फेल। मैं अपने बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी यार, पांचवी क्लास में फेल हुआ मैं, पांचवी क्लास फेल शो भी आता था ना, पांचवी इसको ही देख के रखा, पांचवी फेल, अरे हम शिवा है, सॉरी शिव, आप फेल हुए हो कभी इंजीनियरिंग में? वो हाँ वो अब बड़ा होके ना, हाँ बड़ा होके यार फेल हो तो क्या महसूस होता है,
अरे बहुत बुरा लगता है भारती बड़े होके तो बहुत। नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रही, बुरा तो लगता ही लेकिन आके बताना ना घर के वो कैसे फेल। मेको मैं घर पे बताता ही नहीं था, हमारे घर पे ना वो एडिट वेडिट करके मैं हो गया था तब तक शातिर कि एडिट करके भेजने। फिर बोले फिर क्यों जा रहा कॉलेज, मतलब उसके बाद भी तो कुछ होता है, कोर्सेस होते हैं। तो भोले मम्मी पापा है क्या उनको? नहीं, माँ बाप बड़े भोले। मैंने भी अपने माँ बाप को स्कूल कॉलेज में ना बहुत अपन ने बेवकूफ बनाया, ये मम्मी ये है, हाँ हाँ बेटा हाँ ठीक है। वो बेचारे माँ बाप स्कूल नहीं गए जो माँ बाप, वो तो बेचारे मान ही जाएंगे। हम भी नहीं गए, हम अगला हमारा ये होगा गोले के आगे ठीक होगी पूछते, हम तक भी वही हाल होगा, माँ बाप हम कौन सा गए। यार सिर्फ गर्लफ्रेंड रही है कभी वो टाइम पे, अभी तो उस पे आएंगे। आए अंदर बजा डॉल दीवा लिया डीजे बजा गर्लफ्रेंड रही ये डॉल दीवा लिया ऐसे गाना कोई सुना रहा था मुझे वही बजा अंदर डॉल दीवा वाला नहीं नहीं वही बजा रहा सच्ची बजा एकदम जोर से। बट है कोई ऐसा कहानी मेरा है, मतलब एक इंजीनियरिंग से ही चालू हुआ था और जब मैं इधर आता था मुंबई आता था फ्राइडे सैटरडे संडे आता था, फिर संडे रात को वापस रहने का तो एमएलए हॉस्टल था, तो वो मेरे को सब हेल्प करती थी कुछ, वो ऑडिशन आराम नगर अपने पीछे वो एक बार ये स्क्रिप्ट निकाल के देगी और कोई डांस वांस का शो रहा तो वो ऑडियो बना के देगी, पूरा इंजीनियरिंग उसने मेरे को पढ़ाया। वो स्टूडियस थी, इंजीनियरिंग के बाद उसकी शादी थी कि उसको शादी करनी थी, तो मेरे को बोलेगी शादी करनी अभी, मेरा तो कुछ नहीं मैं कमाता क्या हूँ, तू आएगी रहेगी किधर, और मेरा कुछ मेरे को आगे सच्ची में काम करना है और मेरे को पता ही नहीं कि किधर से इनकम होगा और इंजीनियर में अच्छा था नहीं। उसके बाद उसकी शादी हो गई और मेरे को उसके बाद कहते हैं ना कि लड़की छोड़ के जाती है उसके बाद मिलता है, तो वो होता है मेरे को बिग बॉस मिला उसके बाद फिर मतलब अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे भी सुन रही होगी उसकी शादी हो गई वो बोलेगी बोले कितनी हरामी मुर्गा है। नहीं वो बोले कि मैंने छोड़ा और तरक्की हो गई इसकी ही मतलब मेहनत लगी थी नहीं मेहनत लगी नहीं थी प्यारी प्यारी मस्ती खुशियाँ देखे गई यार बहन, तुम जो भी हो तुम खुशियाँ देकर गई उसको है ना कि मेरे बिना वो खुश रहे बिजी रहे अपना लक देखे गई बोलने का। हम तो देखो हम तो मस्ती करते रहते बहन, हमारा तो काम ही है ये तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन बहन अच्छी माँ बनेगी, कैसे बच्चे को पढ़ाया लिखाया फिर। तो उसके बाद ना एक बेस्ट चीज क्या थी भाई, तब ना मैंने मुंबई से 2.5 लाख की एसेंट लेके गया था, ठीक है वो जन्नत मूवी आया था तब, ठीक है तब कार मेरे को था कि मैं भी ऐसे कार से उतरू ये करूँ, पर वो गाड़ी जब लेके गया तो 2-3 घंटे में सीख के मैंने कार लेके गया। मुंबई से? हाँ नहीं नहीं मुंबई से एक बंदा लेके गया और 2 घंटे मेरे को सिखाया और मैं लेके गया, बोला इधर घर के बाहर तेरा हीरो खड़ा और गाड़ी लेके गया, मस्त उसमें बलून वलून डाल दिए, 30 रुपए का बलून का पैकेट, 10 रुपए के फूल, ठीक है एक वो बबल एसेंट में, हाँ एसेंट में, तो 100 रुपीज में ना ओ माय गॉड उसके आंसू निकल गए। तू काय केलं माझ्यासाठी, मतलब बस क्या भाई बस 100 रुपीज में कुछ खर्चा नहीं कुछ नहीं, मतलब वो फिल्म वाला दोनों सब डोर ओपन किए पूरे बलून बाहर फिर लेके गया। मेरे को गाड़ी आती थी सीधा चलाना, मेरे को रिवर्स आता नहीं था, एक जगह पे स्क्वायर था जहां से थोड़ा वो शांत एरिया होता ना उधर जाना था मुझे लेके कि उधर थोड़ी बातें करूं। जैसे वो टर्न आया पीछे से हॉर्न बजाना चालू की, मैंने काय झालं मतलब मला फक्त समोरच चालू होता रिवर्स मेरे को आता नहीं है। पूरा गाली रे फालतू गिर क्या है, मैं लाइक ना गाड़ी येते का तुला रिवर्स भाई, दोनों बाहर उतरे कोई दूसरे गाड़ी वाला आया उसने रिवर्स लेके दी, मैंने ऐसे सीधी करके दो ना क्योंकि और उसको वो जन्नत की गाड़ी थी वो बंद नहीं गिरती थी, ये इसमें ना गैस किट थी ये पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए, वो बीच में बंद भी गिर गई भाई। तो ऐसे बहुत किस्से हुए पर उस वो किस्सों के बाद अभी जो कार आई ना मेरे को मजा आता कि यार अभी चाहिए थी तू, बट अभी जब खतरों के बाद मेरे को एक मेल आया उसका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, मैंने बताया था ये स्टोरी अभी, तो कहीं पे भी नहीं इंस्टाग्राम पे नहीं कहीं नहीं, हमारी बात नहीं होती है, मेरे को पता भी नहीं किधर है बच्चा हुआ नहीं क्या हुआ पता नहीं, किधर कौन सी सिटी में किसके साथ शादी ये भी पता नहीं, हो गए 5-6 साल के 7 साल के ऊपर हो गए। मेल आया कि हमारे अमरावती में माता का मंदिर है वहाँ पे, वो जब भी हम दोनों जाते थे अकेली जाते थे मेरे लिए 11 रुपये डालती थी कि इसका जो भी इच्छा है पूरा हो जाए, तो अभी मेल आया कि होपफुली आपको जो चाहिए तो मिल गया, मुझे नहीं मिला वो फिल्मी पूरा कि मुझे नहीं मिला, होपफुली अगले जन्म में मिलेगा आप खुश रहो, होप यू रिमेंबर वो 11 रुपीज और ये, और मेल था फिर डिलीट कर दिया फिर क्या हो गया भाई उतना ही था, मतलब भाई कुछ एक बार दिख तो जा, तो वो था ना कि उसने मेरे लिए बहुत प्रे किया। अब यार ये तो लव स्टोरी है पूरी यार, तो प्लीज कहो दीदी तुम
सच में यार कुठे आहेस दीदी तुम्ही कुठे आहेस प्लीज कम बैक अंजलि अंजलि मैं वो तुम्हारी सारी चिट्ठियां पढ़ना चाहती हूँ बट आपको नहीं पता कि शी इज मैरिड और नॉट मैरिड नहीं नहीं शादी हो चुकी है क्योंकि जब हम दूर हुए थे ना तब उसकी शादी हुई थी इसलिए दूर हुए और वो थी कि मैं तेरे साथ अगर ऑनेस्ट हूँ अगर मैं किसी से शादी भी करूंगी मैं नहीं रखना चाहती हूँ बात मतलब बेस्ट चीज है बेस्ट चीज है उसके लिए रिस्पेक्ट भी है पर वो जो चीज थी ना कि जब मैं कुछ नहीं था तब वो मेरे साथ थी और वो 100 rupees 200 में इतनी खुश होती थी इतनी अभी मैं कुछ भी किसी को कुछ भी दूं ना वो रिएक्ट ही नहीं करती जब तक वो ब्रांड वाला कुछ अपन देते नहीं ना तो अभी नहीं मिलेगा वो वाला आजकल की लड़कियों को ब्रांड का बहुत तू आग फोड़ दे पहले फिर आजकल की काली लड़कियों को फिर बोलना तू लेकिन यार कितना सच्चा बड़ा प्यार सच्चा यार, प्यार उसने बड़ा कितना सच्चा प्यार किया शिव सच में और वो चीज वापस कभी नहीं हो सकती भाई अभी अभी मेरे को डर लगता है मतलब अभी सच में बहुत लोग मिलते हैं पर यहाँ पे प्यार अलग है कुछ यहाँ पे जेंटलमैन भी उनको बॉय जेंटलमैन होना चाहिए इनके लिए जेंटलमैन मतलब फिल्म वाला है दरवाजा खोले रेस्टोरेंट में आज तक नहीं खोला इसके दरवाजा भाई बट वो कर लिया और आपको 2 साल में 3 साल में छोड़ दिया तो कौन सा जेंटलमैन हुआ क्या उसको जब जरूरत है तभी आप खड़े नहीं रहे और ये सब कर लिया कार का डोर ओपन किया प्लीज ये सब लोग करते पिक्चर में देख के अभी सब करते सही बोले सही बोले ये भी इंस्टा कपड़ा भी उठाते हैं भाई कपड़ा भी देते हैं कपड़ा भी उठाते मैं बच्चे के साथ बैग देख कुछ ऐसे रखा हो ढूक कपड़ा बैठ जाएगा दरवाजा खोल ऐसे करना पड़ता है ये है असली जेंटलमैन नहीं भाई औरतों को कमजोर नहीं समझते मेरे को क्या लगता है जेंटलमैन क्या है मेरे मम्मी पापा देखे या आप लोगों के मम्मी पापा वो लोगों के बीच में बहुत कुछ हुआ है 100% झगड़ा हुआ फिर पैसा कम था पर वो सच्ची में मेरे को लगता है वो जेंटलमैन की अभी तक लास्ट डे तक वो साथ में और तुम दोनों को देख के ना मतलब मैं अकेला नहीं इधर पॉडकास्ट में वो इसीलिए नहीं मेरे को लगता है कि अभी जो ये वाला प्यार है अभी जो प्यार मिलेगा वो क्या होता है 5 साल के 3 साल के वर्कआउट नहीं हो रहा अपना कसम बताऊं भगवान की कसम मेरा ये डर था मैं जिंदगी में आपको होता मेरे को जब छोटा था काम में इसलिए राइटिंग में चला गया था और फिर मेरे को वही दिखता था राइटिंग मेरे को अच्छा लिखना है मेरे को पूछते थे ना कि शादी करनी है कैसी लड़की चाहिए मेरे दिमाग में कभी पिक्चर ही नहीं बना जिंदगी में कभी पिक्चर नहीं बना क्योंकि मैंने बोला यार क्योंकि मैं देखता था ना दोस्तों को वो उनकी गर्लफ्रेंड्स होती थी ना मैं कभी उनके साथ रिलेट नहीं कर पाता था मैं कहा नहीं यार मैं ये वाइफ नहीं है ये गर्लफ्रेंड है बीवी अलग होती है बीवी हमने मम्मी देखी है बस चाची देखी है दादी देखी है हमको बीवी चाहिए मैं जैसी मेरी माँ है भाई वो जेंटलमैन चीज वो होनी चाहिए कि वो एडजस्ट करके जब हम गर्म हो जाए तो वो थोड़ा सॉफ्टली हैंडल कर ले तो वो अभी नहीं अभी होता है कि वर्कआउट नहीं हो रहा है अब आप गर्म हो हाँ क्या आपसे ज्यादा गर्म हो जाएगी वो नहीं नहीं मैंने मेरे दोस्त का मैं ऐसे तक कि क्या मेरे को जाना है क्या ये डर गए अभी गर्म होके तो देखो आप पॉडकास्ट की पूरी गरिमा मिट्टी में मिला दी तूने क्या बोल के पूरा नहीं अभी तो बोलोगा कि तूने क्या किया व्हाट लड़की की आवाज निकलती है आगे से हाँ ना मैं कितनी बार कर दिया सच में भाई लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़की पता नहीं क्या मुझे लगता है क्या पता आपके आसपास ही हो जो आपके साथ आई लड़की क्या पता वही पॉडकास्ट के बाद आपका हाथ चूमे और बोले मी आहे कि मतलब मैं ही हूँ नहीं नहीं वो कुछ नहीं अभी मेरे को लगता है कुछ चीज वो हम शुरू करने के पहले किस्सा हुआ था कि आज सॉन्ग रिलीज होने वाला है 7:30 बजे महादेव का और इन्होंने एक किस्सा बताओ प्लीज आप ही बताओ यार वो हमने मतलब ये पहला बंदा जो टाइम पे आया है जो 6 बजे इसने बिना मेकअप के हमें लेंस आईलैशेस के बिना देखा है तो इसने हमें नमस्ते भी नहीं की इनको इसने हम मुझे कहा कहता भारती मैम है तो फिर मैं वो दीदी बन गई ऊपर भारती मैम मिलवा दिए सो आज हमारा जो पहला गाना आप देख चुके हैं मतलब देख चुके होंगे वो आज रिलीज हो रहा है जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और पॉडकास्ट में आ रहे हैं शिव ठाकरे और ये संजोग है सच में यार कैसी बात है कि आज गाना भी रिलीज हो रहा है और शिव का गाना है और शिव के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं हाँ तो मैं सोच रही थी क्या पता हर्ष शिव लेट आए मतलब उनकी टीम से फ़ोन आए कि शिव तो 9 बजे आएंगे और वो करें हमें 7 बजे फ़ोन तब तक ये करके बंदा चले जाए और फुटेज फटाफट हम देखें तो असली शिव बैठे हो ऐसा हो जाए तो भाई बताओ आप हो ना भाई मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों को लगता है कि टीवी पे कैमरा के सामने दोनों ऐसे ऐसा नहीं होता है आप इससे ज्यादा मस्ती होती है कैमरा शुरू होने के पहले ये सब हो गया तो मैं पागल हो गया था हंस के मुझे लगा कि अभी ना जल्दी यार फुटेज देख वो शिव की टीम ने तो कहा है कि 9:15 बजे तक पहुंचेगा शिव
कौन शिव कर गया यार हमारे साथ, सर फुटेज में कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ शैडो दिख रही, शिवलिंग का शैडो दिख रहा है। बोल आज पॉडकास्ट किसका है हमारा, किसका किसका कर रहे हैं आप यार, ऐसा हो गया तो मजा ही आ जाए, शिव बन जाओ यार भगवान। शिव वो आप लोगों के साथ है हर, कितना भगवान में मानते हो? बहुत, मैं बापाधामी को, हाँ बापा बापा को बहुत मानता हूँ और माता रानी को। मेरे जैसे मैंने बोला ना अमरावती में अम्बा देवी है जी, हर ट्यूसडे में जाता था जब तक मुंबई में शिफ्ट नहीं हुआ, मतलब फिफ्थ सिक्स से साइकिल से जो मेरे पास जाना ही जाना, जाने ट्यूसडे को, ट्यूसडे को जाने का। और वहाँ पे ना चीज़ें होती है आपकी मुराद होती है पूरी, और इधर अपने सिद्धिविनायक, वहाँ पे तो मेरे को सिद्धिविनायक जाने के बाद ना बहुत चीज़ें होती है मेरे, दूसरे दिन या उसी दिन कुछ ना कुछ होता है, कॉल आ जाएगा। फिर मेरे जब बिग बॉस हिंदी मिला ना मुझे, तो मुझे बोला कि दूसरे दिन 3 बजे मीटिंग को आ जाओ। फिर मैंने बोला था पापा से ये फाइनल हो जाए, मैं जहाँ पे रहूँगा वहाँ से पैदल आ जाऊँगा। तो मेरा गोरेगांव से मैं मलाड पहुँचा, और मलाड से मैं गया पैदल अपने सिद्धिविनायक। और सच्ची में बोल रहा हूँ, पापा मेरे साथ है, मैं बता रहा हूँ ना, हार्डवर्क करने वाले छोटे गांव से आए हुए लोग बहुत है। यस, दिल से अच्छे, क्या कहते हैं उसको, टैलेंटेड, बहुत टैलेंट, क्या 6-7 फीट के यहाँ पे हीरो वाले लौंडे देखता हूँ मैं। बहुत काम के लिए ये करे कि दुआ है मेरे साथ की, वो पापा की दुआ है कि मैं इतने शो कर पा रहा हूँ एक साल में, इतने पैसे आ रहे हैं मेरे पास, लोग जान रहे हैं मुझे और इतना प्यार से पास में लेते, तो वो मुझे पापा की वजह से। पापा तो मैं जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैंने भी वही पे विश मांगी थी कि हाय पापा मैं बॉम्बे आई हूँ, मैं कभी फ्री ना बैठूँ, मैं हमेशा काम करती रहूँ। जो विश मांगता है ना पापा से सिद्धि विनायक जाके, मुझे लगता है कि पापा उसके बाद उसको इतना बिजी कर देते हैं कि फिर उसकी वो जा ही नहीं पाता दर्शन के लिए वहाँ पे थैंक यू करने, तब तक दूसरे लोग आते हैं। तो मतलब यही मतलब होता है कि आप बिजी रहो, अब दूसरों की इच्छा मैं पूरी करता हूँ। और ये आज शिव ने बात की, मैं रिलेट कर पाऊंगी, क्योंकि जब मैं भी नई नई आई थी ना भाई, लाफ्टर चैलेंज होता था, मेरा होता ही था कि मैं परफॉर्मेंस से पहले, मतलब वो कहते थे 7 बजे सेट पे पहुंचना, तो मैं बोलती थी 3 बजे गाड़ी चाहिए, 4-4:30 बजे हम लोग माथा टेकने जाते थे सिद्धि विनायक। सच्चे मन से 3 महीने गई हूँ मैं, और आज देख लो फिर। मैं खुद भारती के साथ बहुत बार गई, इनिशियली बहुत जाते थे सिद्धि विनायक, माँ लक्ष्मी जाते ही थे टाउन। वहाँ पे आप जाओगे सच्चे दिल से कुछ मांगोगे और मेहनत करोगे, आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, और बहुत कुछ देगा कि जो मैंने सोचा ही नहीं था इतना भाई। मतलब ये जो मिल रहा है ना, इसका 25% भी मिल जाता तो मैं बहुत, मेरे को लोग पूछते हैं ना कि भाई इतना आपको क्या लगता कि अरे यार ये मिलना चाहिए था, मतलब भाई तुम्हें नहीं पता मेरे को 10 रुपये मिल रहे, मुझे चाहिए था 1 रुपये ही, अभी 100-100 रुपये दे रहे लोग, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, और इंसान को ना ग्रेटफुल होना बड़ा जरूरी है। देखो मोटिवेटेड होना सही बात है कि नहीं भाई मैं एक दिन 10 कमा रहा हूँ 20 कमाऊंगा, वो तो सही बात है, बट एक सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ है। वो मिल रहा है ना, वो नहीं सोचा था। और मैं कभी कभी, जैसे हमने बात की ऑफ कैमरा, कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे इतना पैसा देंगे कैंसिल कर दो, मतलब भाई कैंसिल मत करना प्लीज, क्योंकि जो तू बोल रहा है ना जो अमाउंट, वो मैंने सोचा था कि साल भर में मिल जाए मुझे, वो मेरे लिए वो एक रील का पैसा बहुत कुछ है, तो तू कैंसिल मत कर, मेरी जगह और 10 लोग आएंगे, ये दुनिया है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं बहुत लोग जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से गायब हो जाऊँ, मेरे को बहुत लंबा जाना है, तो धीरे धीरे कम ज्यादा करके फाइनल कर। यस, काम मिले ना तो कभी मना मत करना भाई, क्योंकि आप मना करोगे ना 10 बैठे ऐसे पकड़ने वाले काम, तो वो तो आपने क्या करना है भाई, क्या सोचा है आगे, रियलिटी शो और करने हैं या कोई मतलब सीरियल मिल जाए, वेब सीरीज करनी है, एक्टिंग करनी, मुझे एक्टिंग करनी है। मैंने पहले 5-6 साल थिएटर किया है, और उसके बाद छोटे छोटे, मतलब अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में मैंने वो 10-20 हज़ार वाला जो था वीकेंड का वो किया है, तो अभी भी मैं कर रहा हूँ खुद पे। एक भाई NSD वाले जो मेरा वर्कशॉप लेते हैं, प्रोनाउंस जो होते हैं, रीडिंग, तो ये मेरा काम चल रहा है। तो अभी होपफुली अभी ऑफर भी आए हुए, पर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वेब सीरीज में जो भी रोल करूँ तो लोग बैठ के करें कि नहीं ये लायक था वो, ऐसे नहीं कि आया सपने देख के आया, बहुत लोग आते हैं और भाई कुछ भी कर दिया सही, क्योंकि भाई आजकल ना, पहले ना हल्की एक्टिंग चल जाती थी 5 साल पहले, आज नहीं चलती, बिकॉज आज हर बंदा इतना एक्सपोज्ड है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, इधर उधर हर जगह अच्छी अच्छी एक्टिंग दिख रही है, तो जैसे ही आपकी हल्की एक्टिंग होती है उनको पता लग जाता है कि नहीं ये हल्की है। और भाई ऑप्शन भी बहुत है लोगों के पास, मतलब ऐसा नहीं कि अरे यार किसको कैसे ढूंढूंगी, 20 नंबर 50-100 नंबर है आपको अगर बाजू में करेंगे तो, और बाकी 100 लोग खड़े हैं, तो मेरे को वो पता है, तो मेरे को इतना है कि काम करते करते जाओ, छोटा छोटा रोल, पैसे भी थोड़े लो, चलो आगे सिर्फ काम करते रहो, एक बड़ा सा चीज करके घर नहीं बैठना है मेरे को, मेरे को बहुत काम करना है। मराठी में भी कुछ कर रहे हो आप? हाँ मराठी में भी कर रहा हूँ, मराठी में मेरे को ना अभी खतरों के वक्त 2 फिल्में ऑफर हुई थी, पर मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था साइंस,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट का होता है कि अपन कुछ भी छेड़ नहीं सकते, तो मैंने बोला मैं कर लेता हूँ, जो जो मिल रहा है पैसे भी ज्यादा ही मिलेंगे। अब मराठी अगर करोगे कोई फिल्म तो वो ढोल भी वाल या वैसा वाला कोई डांस जरूर करो वो कौन है वो बहुत अच्छा गाते हैं और ऐसे लग रहा है कि मस्ती में, मतलब अजय अतुल का म्यूजिक है, सैराट के जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मतलब लेजेंड है वो, और वो तब भी लेजेंड थे। हमने तो क्या सैराट से हमको लगा अरे अजय अतुल सैराट से पहले ही लेजेंड थे और वो बन चुके थे। कभी कभी वो सॉन्ग आने के बाद लगता है अरे बाप रे आदमी कौन है, बट वो उसकी मेहनत और वो था वो अजय अतुल जी अगर सुन रहे हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं पॉडकास्ट के लिए, जरूर आइए, हमारे पास एक ही कुर्सी है, आएंगे ना। बहुत सिंपल बंदे हैं दोनों, आप मिलोगे ना बहुत सिंपल से बंदे हैं, मतलब आपको बहुत मजा आएगा उनके साथ। दादा या प्लीज, मैंने उनका कपिल भाई के साथ एपिसोड देखा था और तब मैं ऐसा हो गया था, मैं कहा यार ये इतने सिंपल कैसे है, इतने मासूम कैसे है, और इतना गाने, मतलब मराठी सॉन्ग्स में 100-200 मिलियन मारना वो बहुत बड़ी बात है यार, वो बहुत बड़ी बात है। उनका म्यूजिक ना मतलब टच वाला है, इधर इधर वो महसूस होता है हमें। आप अभी सुंदर भी हो, सक्सेसफुल भी हो, मतलब पहले नहीं थे, पहले नहीं थे ना, सच में यार मैं मेरी पहले की आप मेरी पहले की फोटो देखना, सच में आपको लगेगा कि कोई ना मतलब कारपेट तय लगा के खड़ा कर गया दीवार के साथ, इतने बुरे हाल, लेकिन जैसे पैसा आता आपको पता भी चल जाता है। थोड़ा ज्यादा बोल रही है, ऐसा नहीं कारपेट वारपेट नहीं, बोरी आई शपथ। और इसका देखा था भाई, तू तुम्हारा रहने दो, बोरी वाली की इसका देखा भाई, इसके बाल ऐसे रहते बकरे के बाल होते ना सीधे किए होते स्प्रे डाल के मिए, और इसकी बाइक के पीछे लिखा था तूफानी कानड़ो, तूफान तूफानी कानड़ो। मेरे एक दोस्त को मैंने बाइक दी थी, मेरे को उससे 30 रुपए लेने थे, तो वो इतना बदतमीज दोस्त था, उसने मुझे 30 रुपए नहीं दिए, वो 30 रुपए का पीछे लिखवाया तो वैसे रख दिया कि पैसे दे मैंने रिचार्ज कराया था उसका, तो मैंने भाई तुम्हें को पैसे दे, अरे बोले 30 रुपए का तो वो कर लिया ना मैंने, मैंने क्या लिखवाया उठर के डेट, मैंने ये क्या है क्यों लिखवाया, अरे तू छेद है मारे तूफानी कानड़ो सुकड़ा लड़का और तूफानी कानड़ो कैसे छाती ऐसे भाई चेन डाली हड्डियों में बजरी ढक 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 और तूफानी कानड़ो। यार मेरे को वही जानना है बॉडी कैसे बनाई आपने, हाँ, बता दो आपकी नेचुरली बॉडी थी? नहीं मैंने गरीबी में बॉडी नहीं बनती पता है ना, बनती है भाई, कैसे बनती है यार, हम बनती है देखते नहीं है गरीबी बनती है, बट अभी कैसे होता है जब आप बड़े बन जाते तब आपको अप्रिशिएशन मिलता है, तब हर चीज यार शिव के बाल देख यार नहीं यार मैं बता रहा हूँ, आप जब रोडीज का आपका ऑडिशन था बहुत पहले मैंने देखा, रणविजय ने बोला कि भाई बॉडी इतनी अच्छी है आपकी, आप बोल रहे हो आप इतने हम्बल बैकग्राउंड से हो, कैसे मेंटेन करते हो, बिकॉज बॉडी बनाना मेंटेन करना इट्स अपने आप में बहुत खर्चे वाला भी काम है भाई। हमारे घर पे मतलब घर के पास ना एक 200-300 अभी भी हो जिम है समर्थ नाम का, तो वहाँ पे हम जाते 5-6 बजे, 9 बजे बंद होता है वो, तो 4-5 लोग जाते, और अभी कैसा होता है ना आपको ट्रेनर बताता है इतना 90 सांस अंदर बाहर, तब जैसा उठा और उसमें एक हमारे जिम में एक पहलवान थे वो इतना वेट लाते थे ऐसा टेढ़ा हो जाता था वो, केस जब मारते थे लॉक करके, उनकी एक साइड की बड़ी हो गई होगी पता नहीं कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी, तो टीड़ा करते थे तब हमने वहां से चालू किया, तब प्रोटीन लेना नहीं लेना स्टेरॉइड पता ही नहीं किसी को, क्रिएटिन वेटिन कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है वर्कआउट करो घर जाके खाना खाओ रोटियां ज्यादा रोटी ज्यादा रोटी, तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा नहीं होता है भाई, प्रोटीन लेना पड़ता है नॉनवेज खाना पड़ता है, तब पता ही नहीं, पर हमारे घर पे बेस्ट चीज है मेरी मासी के यहाँ खेत है, वहां से ना सब वो खेत का सब ओरिजिनल चीज आती है, हरभरा हुआ मटकी हुई ये सब आती है, तो हमारे घर में कच्ची चीजें बहुत भिगो के रखते हैं, नाश्ते में जब पोहा रहेगा तब वो मटकी खा लिया दिन भर चालू रहेगा, तो वो चीजें मेरी मुझे लगता है प्लस पॉइंट, मैं नॉनवेज नहीं खाया अभी तक, स्टेरॉइड वगैरह दूर दूर तक है ही नहीं, तो वो जो मटकी नॉनवेज भी नहीं खाया, नॉनवेज भी नहीं, चिकन मटन कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो मटकी पनीर, और मैंने प्रोटीन लिया है प्रोटीन, क्योंकि जब मैं फिर 500 और 1000 रुपए वाले जिम होते हैं तब महंगे महंगे जाते हो तो वो चीजें भी थोड़े अलग होते हैं फिर बोलते हैं नहीं भाई प्रोटीन लेना पड़ता है तुम्हारे इसमें इतना तुम्हारा वजन है तो इतना x2 करो, करेक्ट, मतलब अच्छा ऐसे भी होता है हाँ तो प्रोटीन लेना पड़ेगा बाकी ले मत ले, 12 अंडे खाना पड़ता है ये खाना पड़ता है, फिर जब मुंबई आ गया फिर 2-3 जिम में गया भाई कुछ नहीं होता साइकिल करनी पड़ती है, मतलब दादा मैंने सुना है वो साइकिल वाइकल से आगे की लाइफ थोड़ी खराब होती है, मेरे को नहीं मेरे को मतलब चले गया थोड़ी कम बॉडी चलेगी, तो मेरा वो नेचुरल जो मटकी वटकी पनीर उससे ही बना हुआ है, पर उससे बनता है वेज मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी पता नहीं यार मैं मतलब मेरे को तो
ऐसा भरोसा ही नहीं होता है, क्योंकि अपने इतने वीडियोस देखे मैंने जहाँ पे कुछ बोलते हैं कि नहीं भाई वेज से बनती है, कुछ बोलते हैं नहीं भाई आपको तो नॉन वेज खाना ही पड़ेगा। तो भी जो जिसकी बनी है वो सच बोल रहा है तो वही मानो। नहीं अच्छी बात है, बहुत बहुत कमाल की। तो यार आपने कभी साइकिल वाइकल कोई स्टेरॉइड वेरॉइड? मेरे को पर्सनली लगता है कि जो पहलवान लोग उतरते हैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उनके मतलब स्टडी भी होती है, बाकियों के नहीं लेना चाहिए, क्या जरूरत नहीं है। मैंने आपका इंटरव्यू ऐसे ही पढ़ा था जिसमें आपको कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस हुआ था, वो बताओ यार। ये ढोल भी वाया। बताओ किसने बेंच प्रेस मरवाया आपसे? भाई यहाँ पे यही एरिया। अच्छा आगे एक दो, ये अपने बंगलों के आगे कोई तो भी है, ठीक है, वहां पे मेरी एक दोस्त थी, बोले कैरेक्टर है तो उसके लिए कैरेक्टर था, तो ऐसे होता है ना दोस्त जाता है तो अपन भी साथ में चले जाते हैं, तो हम गए तो एक बोले कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, पहले इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो मैंने बोला पैसे देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे, मतलब भाई काम तो मैं करूँगा ना, तो बोले नहीं नहीं तो 50,000 दे दो पहले और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते और आपको 20-25,000 रुपये पर दिन के मिलेंगे। मतलब दिन के मैंने काम करूँ ना, फिर जैसा पैसा 15 दिन का आएगा तुम्हारे 25,000 ले लो तुम, अभी पैसा नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं होता, नहीं हो क्या? हाँ नया तो हो बट पैसा नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि जो मेरी दोस्त गई थी उसको बोला कि आपको तो पता ही है मतलब ये रोल वोल क्या होता है, मतलब प्रोड्यूसर कैरेक्टर में फिट हो आप, कुछ नहीं मतलब बस प्रोड्यूसर को और बाकियों को थोड़ा सा वो जो चीज़ है। बोले क्या चीज़? हाँ मुझे भी समझ ना आए, मैं एंड तक पूछी जाऊँ क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब कुछ करना होगा ऐसे मतलब हम समझ ही ना आए जो नए नए आते फिर। तो बोले क्या करना क्या? बोले फिर उसको पता चल गया था कि वो शान, अरे यार आप क्या नए हो गए इंडस्ट्री में, कितनी चीज़ें थी प्रोड्यूसर सर के साथ, बस जस्ट आप ऑडिशन दे देना। बोले अच्छा ऑडिशन तो मैंने दिया है ना अभी। बोले नहीं आप में 2-3 ट्रायल करना पड़ेगा कपड़े, मतलब एक शॉर्ट ड्रेस में या फिर बिकनी में। तो बोले कैरेक्टर तो दूसरा है, बिकनी क्यों पहननी पड़ेगी? नहीं नहीं वो बताना है कि साड़ी के अंदर बिकनी में आप कैसी लगती है। तो ऐसा पूरा चीजें हुई, तो ये चीज हो गई। दूसरी बार एक बार फिर मेरे साथ मतलब इधर नहीं ऑडिशन के वहाँ पे, फिर एक डिजाइनर थे, तो डिजाइनर के वहाँ पे मतलब मैं बिग बॉस मराठी हो चुका था तो मैं गया, बड़े डिजाइनर थे, बड़े बड़े हीरोज को कपड़े देते थे। बोले भाई ये काम करो ना, वो बीच का जो बंदा था बोले आप इधर आ जाओ मेजरमेंट ले लेंगे और कपड़े दे देंगे, मैं आपको नंगा भी देख लूंगा। हाँ तो वहां पे आ गया, वहां पे गया जाने के बाद ना वो जो बंदा था उसकी टीम में कोई था जो ये थे मतलब स्टेट नहीं थे, मतलब उनका रिस्पेक्ट लड़के पसंद है। हाँ तो मैं लेट सुख गए, तो मैं गया तो मेरे को कपड़े दिखाई नहीं रहे। मैंने बोला वो मेरे को इवेंट है ना आधे घंटे में मेरे कपड़े दे दो। तो बोले नहीं इधर ना अपना स्पा शुरू किया है। बोले स्पा नहीं कपड़े, मतलब इवेंट के लिए ना, ये डिजाइनर का है ना शॉप। बोले हाँ अरे भाई अरे आओ ना इधर आराम से, क्या घाई क्या है, आप अभी आराम से आना कभी, ये वाला स्पा है वो वाला स्पा है सब मिलता है इधर। फिर मैंने उसको देखा, मतलब सांग तला फालतू डोक सटकला तला इत स्पा मधे दिल में। मैंने दादा दादा नहीं नहीं कपड़े क्यों निकुन जो, फिर बोले आराम से हाँ आओ। फिर मैसेज करता रहा, कब आ रहे हो आप, ठीक हो आप, स्पा की क्रीम तैयार पानी उबल रहा है। तो ये चीजें होती है। फिर कभी कभी आप वो मेरे दोस्त को बोले आपको आगे काम नहीं करना है क्या, मतलब इंडस्ट्री में ये चीजें आपको, उसने कुछ बोल दिया कि इतना शाना मत बनो, हमें पता है ये फालतू के नहीं, अगर कैरेक्टर में फिट हो तो ये करो नहीं तो फालतू में पुलिस को बता दूंगी, आपको काम नहीं करना है। तो ऐसे मैसेज भी आते हैं कि काम नहीं करने आपका, काम रोक दूंगी ये कर दूंगी, वो लड़कियां यार और लड़कियां भी इन्वॉल्व होती है इसमें। पर मेरे को लगता है आप काम करते रहो ना चुपचाप, ऐसे लोगों को जवाब भी नहीं दिया अवॉइड कर दिया तो आपको कोई नहीं। आप हर बार सबसे लड़ाई का मोटिव नहीं रख सकते कि मैंने उसको एंड तक जाऊंगा उसको तंग करूंगा, ऐसे बहुत लोग है ना और अच्छे लोग भी है और स्पा वाले भी है, स्पा वाले भी है। अरे यार ये एक्सपीरियंस ऐसे नहीं होता कि लड़कियों को ही होता है, लड़कों को भी होता है यार, स्पा वाले बुलाते हैं बट हमें नहीं चाहिए बाबा। हाँ नहीं नहीं और वही है, लड़कों का भी इक्वली होता है बट लड़के शायद बताते नहीं, उनको लगता है कि अभी क्या ही बताओ रहने दे भाई। आपको भी किया गया? नहीं नहीं है मेरे को ऐसा, पगले आंखें को भराई बोल खुल के अपना पॉडकास्ट है मेरे को, मेरे साथ नहीं हुआ भाई मेरे साथ ऐसा कुछ, अरे रो पड़ा नहीं हुआ मेरा।
बताता उस रात क्या हुआ था। मैं जा रहा था इधर माड़ा में अकेला, प्रिंस भाई ने मुझे पकड़ लिया, बोलते आओ जूम इन जूम आउट करें कैमरा। अच्छा शिव कैसा है, कैसा खाने वाला है, मतलब एकदम गांव वाला दाल भात अच्छा लगता है, थोड़ा क्रीमी पास्ता विद मशरूम? नहीं नहीं, अपना पनीर की सब्जी किस समय मेरे को ऑर्डर कर करके पनीर की ढूंढता हूँ, फिर मेरे को पता चलता है मेरे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स चाहते हैं लड़कियों के साथ अगर कहीं जाओगे तो कुछ तो अलग सी चीज बोलते हैं यार वो। पनीर टिक्का? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो डिश की नाम भी नहीं पता वो। मैं तो भाई आधे ऐसे करती हूँ, ढोकला होता है ना, ढोकला वैसे होता है कुछ। सुशी 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 होता है, ये होता है, उसमें भी बुलाने के बाद ना वो सुशी डायरेक्टली नहीं खाते ना, वो ऐसे अपना जो मैं दो टाइम रुका, देखा मतलब ऐसे में तो ये 3 घंटे लग जाएंगे मुंह में जाने के लिए। और जाने की बजाय इधर चला गया तो, और वो चबाने वाला जो चीज होती है वो अपने को ऐसा गैप नहीं चाहिए ना खाते वक्त, जल्दी जल्दी चाहिए। मैंने ये तो बहुत टाइम हो गया, मैंने बोला चल छोड़ तू खाता रहा था चीज फालतू बना कर रहा, तो मेरे को ना वो ऑर्डर देते समय भी ऐसे करता हूँ मैं कि तू ही ऑर्डर कर ना, बोले नहीं नहीं प्लीज यू, मैं नहीं मेरे को पहले तो प्रोनाउंस नहीं आएगा, दूसरी बात तो ऑर्डर करने के बाद वो चीज क्या आएगी वो भी नहीं पता। सुशी, मैं तो सुशी बोलता था पहले। क्या सुशी? हम लोग ना अर्जेंटीना में थे और अर्जेंटीना में इंडियन खाना नहीं मिलता था, तो उधर सुशी बोलते थे, तो मैं बोला भाई सुशी, तो जैसे इधर आ तेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं सुशी। उसने मेरे को क्लियर किया बार बार, तो क्यों ऐसे बोलता है सुशी सुशी, मैं कहा ठीक है सुशी। पर भाई उससे पेट नहीं भरता, ऐसे मजा नहीं आता बहुत भाई। अर्जेंटीना में ना इतना ब्लैंड खाना, बिना नमक बिना टेस्ट तो है ही नहीं भाई, वड़ा पाव डोसा ये सब, ये इससे थोड़ा सा ना, वो सही है। हाँ यार अच्छा लगता है यार। अच्छा आपकी जो मंडली है वो अभी भी है? सब लोग मिलते हैं? सब मिलते हैं, बस सोशल मीडिया पे नहीं डालते। फरा मैम के घर पे मिलते, अब भी मिले हम सब, एमसी साजिद सर, निमृत, सुम्बुल, अब्दू जब भी आता तब हम सब लोग मिलते हैं। बट एक होता है कोई सोशल मीडिया पे नहीं डालता है कि लोगों को लगता है अरे यार मंडली है नहीं है, तो किसको, यही नहीं कि हमारा वक्त है हमें मस्ती करने दो। एक दूसरे को फोन पे 8 दिन के बीच में सब लोग बात करते हैं, साजिद सर खुद कॉल करते हैं, आधा आधा घंटा किसको सजेशन चाहिए वो, एक तो खिंचाई करनी है, 2-3 गाली देके सब होता है, सब होता है। जैसे अंदर चल रहा था बिग बॉस, तो अलग-अलग फोन करते हैं, ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ। अच्छा ग्रुप पे फोटो वोटो जाती है? हाँ जाती है, कुछ कुछ अलग अलग फोटोज भी जाती है। बट एक होता है कि सब एक दूसरे के साथ खड़े भी रहते हैं, क्या सही चल रहा है, फिर कोई शेयर भी करते हैं ये मुझे आया हुआ है ऑफर आया हुआ है, तो कोई बोलता है क्या करना है, तो सब मस्त है। बट होता नहीं कि सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत ही नहीं ना, जो भी है। बहुत सही बात है, प्यार है तो दिखाना क्या, अपने मन में रखो। अभी वही है, अभी वो आदत पड़ गई है भाई, अभी सबको आदत से ज्यादा एक्टर के लिए तो ये नेसेसिटी बन गई है कि भाई तुम प्लीज डालो। मेरे को बोलता है भाई सोशल मीडिया पे मुझे बताओ कि जो भी चीजें दिखती है, अभी मैं जब जिस दिन थोड़े बाल वाल बना उसी दिन डालूंगा, जो मेरे को दिखाना है वही, मैं अगर गंदा दिखू मैं नहीं डालूंगा। जो लोगों को लगता है बाप रे ये कैसा अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान नहीं होता है, वो दिखाता है आपको कि मैं अच्छा हूँ। सही बोल, मेरे को लगता है पर्सनली सही बोल, लोग लगते कितने भोले। या फिर सोशल मीडिया पे पैप्स के सामने कभी एक लड़का लड़की जैसे जैसे उंगली टच कर देती है और पैप्स उसको सॉन्ग लगा देते हैं, दिल खो गया हो गया ऐसे लगा देते। और बेचारे जो फैन पेज होते हैं इतने भोले बच्चे, वो सब टीनेजर, उनको बताना पड़ता कि भाई ये ना एज अ बेस्ट कपल, जो वर्ल्ड का बेस्ट कपल, मैंने बेस्ट कपल नहीं है ये, नॉर्मल खड़े वो लोग, या हम लोग किसी के साथ दिखते ऐसा नहीं होता, रियलिटी होती है कि नॉर्मल खड़े। जब आप लोग वीडियो को ज्यादा लाइक करने लगते हो तो लोग फिर जबरदस्ती करने लगते हैं, कम यार, फिर स्लो मोशन होता है ये, फिर उसका वो अड़ गया फिर अच्छा पूरा स्लो मो में जाता है, वो फिल्म में होता है, सिर्फ फिल्म में। रियलिटी में कुछ चीजें सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि जो लोगों को दिखाना है वही दिखाते हैं, अंदर की चीजें। यार भाई आप अभी सेलिब्रिटी, आपने सेलिब्रिटी लाइफ भी जी, आपने नॉन सेलिब्रिटी लाइफ भी जी है, सेलिब्रिटी लाइफ में आके आपको लगा कि कोई चीज सेक्रीफाइस हो गई, ऐसा लगा कि यार अभी ये मैं नहीं कर सकता, या ये मैं करता हूँ तो अभी ऐसा हो जाएगा? मेरे को लगता है मैं मजे करता हूँ, मेरे को कहे वो यही तो चीज चाहिए थी। लोग बोलते दादा सॉरी हाँ आपको ये लोग त्रास दे रहे, मैंने यही तो चाहिए था मेरे को, पागल त्रास नहीं, वो दो लोग क्यों नहीं आ रहे मेरे पास वो भी मुझे त्रास दे, वो भी मेरे को त्रास दे,
तो मेरे को कुछ नहीं होता है, मेरे को लगता है लोग बोलते बहुत बार बोलते हैं। अभी जैसे हम गोवा में गए थे तो किसी ने बोला अरे आप तो उधर नहीं जा सकते ना, देखो ना, मतलब उतनी भीड़ में जाना भी नहीं है, नहीं जाना है मेरे को, नहीं जाना है भाई, हम इधर एक्सक्लूसिविटी में ठीक है। क्योंकि कभी कभी मॉल में जाते, सब जगह जाते, मास्क लगा लो, सबके पास ऑप्शन है, बट ऐसा नहीं करे यार मैं नहीं कर सकता भाई, इसी के लिए तो इतना लाइन में लग के और इतना यहाँ तक पहुंचा है हमें। तो आपको अच्छा लगता है लोग आते हैं शिव भाई फोटो है, अच्छा लगता है मुझे। और जब ये लोग रहते हैं ना, मतलब कॉलेज में जाओ, बच्चे रहते हैं, तो लोग बोलते सर ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं रुकने का कभी, मतलब इमेज, मतलब बाजू नहीं हो रहे मतलब भाई उन्होंने, मैं बनाऊ रियलिटी से और उन्होंने वोट किया है मेरे को, उनको मेरे को ना, मैं आधा घंटा कभी कभी ज्यादा रुक जाता हूँ कि दे दे यार उसको, दे दे वो, और वो इतना पागलों की तरह करते हैं मेरे लिए, कितना भी टच करने के लिए, हाथ टच करने के लिए आ जा। फिर कभी कभी सिद्धिविनायक जाओ तो आजी वाजी रहती है, तो मैंने देखा कि 10 मिनट और रुक जाओ, क्या प्रॉब्लम होगा, मतलब वो तो चाहता था मैं, तो उन्हीं को मैं अवॉइड करूंगा तो फिर मजा नहीं। नहीं, जो चाहते वो हो रहा है और उसकी इज्जत भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है यार। भाई आप आउटडोर, आउट ऑफ इंडिया? अभी पहली बार केप टाउन गया था मैं, बिजनेस क्लास, ये तो मैंने, मेरा ऐसा हो रहा था नींद ही नहीं आ रही थी कि फोटो लू दिखाओ किसको मैंने कम से कम 100-200 फोटो लिए, 50-60 वीडियो लिए बिजनेस क्लास पहली बार, उसमें वो पूछ रही है 10 बार क्या चाहिए, मतलब क्या ही खाओ, मतलब सारे सो रहे होंगे और ये बंदा अकेला जाग रहा है तो मेरे को था कि मैं पहली बार बैठा हूँ ना, और भाई केप टाउन जा रहा हूँ, तो मैंने केप टाउन थोड़ा एंजॉय किया, क्योंकि वो दूसरे दिन स्टार्ट उसी दिन रहते थे ना, हम गाड़ी भी देखते थे भाई क्या प्यारी सिटी है, तो अलग ही चीज़ ना, रोड अलग, समुंदर अलग, पर वहाँ पे जाने के बाद पता चलता था अपना स्टंट है, हाइट पे पानी दिख रहा है, पानी के शूज दिख रहे हैं, फिर वो सब चला जाता था, डर लगता था स्टंट्स में, पानी में मेरे को स्विमिंग नहीं आती थी, तो मेरे को पानी के जो शूज दिखते थे हमारे को, मतलब आपने वो दिखते अपने को थोड़े से, वो माइक भी होता है अलग, वो देखने के बाद भाई सब भगवान, वो हनुमान चालीसा शुरू कर तैयारी में ज्यादा डर आते थे, ओम गणपति नमः, ये सब चालू हो जाता था, फिर होने के बाद अगर आप बच गए और बाकी लोगों का स्टंट है तो भाई कुछ नहीं होता है। आप कॉन्फिडेंस में एकदम, भाई कुछ नहीं होता है, अरे कर आगे जा अच्छा कर लो, सच में यार जो कर रहा होता ना उसको हालत खराब होती, ए हो गया बस बस बस, ए पकड़, अरे यार ए गिव अप मत कर, दो तीन बार तो हमारे कंटेनर गाली भी दे दी, ए छुप बैठ ना हम मेरा हो गया, हमारा आदि का झगड़ा हो गया था, आदि बोलता है तुम यहाँ पे हॉलीडे करने आए, मैं कहा हाँ हॉलीडे करने आया, भारती नहीं करना हमको स्टंट, सच्ची यार, लेकिन मजा बहुत आता है, मजा बहुत आता है। रोहित शेट्टी सर कितने अच्छे हैं, वो बंदा ना मेरे को होस्ट नहीं लगते, वो सर ना होस्ट नहीं लगते मेरे को, लगता है वो नॉर्मल इंसान होता है ना, वो वैसे एक कनेक्शन होता है, एकदम रियल है भाई, एकदम रियल, कभी कभी वो स्क्रिप्ट को छोड़ के भी आपसे बात करेंगे कि भाई ये स्क्रिप्ट बाजू में मेरे को, और किसी को डांटना है तो अंदर से डांटेंगे, भाई ये शो ना लोगों को मिलता नहीं है, देखो मिला है तो कदर कर, तो वो सर के साथ बहुत सही कनेक्शन हो जाता है सबका। तो आपका ज्यादा कनेक्शन कौन से लोगों के साथ है, बिग बॉस वालों के साथ या खतरों वालों के साथ? खतरों के 2-3 लोग हैं मेरे, जो सच्ची में बिना वो सोशल मीडिया पे डाले हुए कोई जरूरत, डीनो है, अर्जित है, अंजलि है, अंजुम भी है, डेजी है, भाई डेजी का आपके साथ बहुत वीट, हाँ यार लोग बहुत ऐसा वीडियो आता था, मैं कहा भाई वो आशी उठाकर तो खतरों के खिलाड़ी जाके, तो ऐसा कुछ था नहीं कुछ नहीं था, तो मीडिया वाले कैसे दिखा दी, मैं वही तो बोला, वही होता था, आप एक बार कैफे में जाओ किसी के साथ, ठीक है, आप एक बार दिख जाओ और दोनों स्माइल कर लो बस, क्योंकि दोनों के रिएक्शन और जेस्चर्स भी बता रहे, स्लो मोशन करे और लोग क्या बोलते हैं, क्या क्यूट जोड़ी है, ओ गॉड शिवाय शिवाय, अरे शिव पूरा दूल्हा बना देंगे शिवाय शिव पूरा पूरा है ना, अरे शिव आज फिर खाने में क्या, ऐसे करते हैं, मैंने अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी है डेजी, मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, पर मैं उसने भी लड़की ने बहुत मेहनत की है यार, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनती है उनकी भी, वो पूरी जर्नी है, हाँ यार बहुत कमाल जर्नी रही है यार, और बिग बॉस वालों के तो अलग ही जोन है, मतलब खतरों और झलक और ये सबसे मैं सबसे करीब होंगे तो बिग बॉस वाले, खतरों खिलाड़ी भी कर दिया, झलक दिखला जा भी कर दिया, बिग बॉस भी कर दिया, और बिग बॉस तो 2 बार कर दिया, कौन सा वाला सबसे मुश्किल लगा कि भाई ये वाला ना थोड़ा सा स्कैरी है, पंगा ले लिया, नहीं आना चाहिए था, कुछ ऐसा वाला कभी आया दिमाग में? खतरों के वक्त लास्ट में जब मेरा इधर स्टिचेस आ गए थे, और वो स्टंट एक दिन में 4 स्टंट करते हैं, पानी वाले सेमीफिनाले के फिनाले जब आता है तो वो पानी में डुबाने वाले होते हैं, और जब आपको पकड़ना होता तो रोप भी पकड़ना था, वो स्टिचेस थे और आपको करना तो पड़ेगा ही, तब मेरे को हारना भी नहीं है,
बिना क्या कहे स्टंट परफॉर्म किए मेरे को हारना नहीं है, बट मेरे से ये स्टिचेस खुल भी रहे, मतलब पूरे ऐसे पूरा इधर बाहर निकल गया था। तो मेरे को तब फील हुआ कि वो होता है ना कि बेचारा कि क्या करूँ, और मेरे को था मैं तो करूँगा, मैं गिर गया पानी में 3 बार तो भी चलेगा, पर मैं एक बार खुद हार जाऊँ तो मेरे को नींद आएगी, बट मैं कर ही नहीं पाऊँगा तो क्या। तो तब मेरे को थोड़ा लगा, मैं आई को फ़ोन किया, मैं आई काय करूँ, तो विचारते हैं तेरे को करना है परफॉर्म कि वो पूछते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो मैं आई को बोला आई काय करूँ, खूब मैंने पट्टी निकती है तो स्टिचेस निकतील, और स्टिचेस को लगे एक ही दिन हुए, यहाँ पे दिखता है अपने को सैटरडे संडे ना। करेक्ट। उधर तो फिर बोले कि एक काम कर, काही नसतो, तू जा परफॉर्म कर, हार, हारल्यानंतर बाहेर निघ, आता नको निघू। बोला आई ने बोल दिया बात खत्म। मैंने परफॉर्म किया, एक में कम मार्क मिले, दूसरा एक वो बस का था जिसमें वो टीयर गैस में मैंने उठा ही नहीं, मैं 30 out of 30 निकले और मैं फिनाले पहुंच गया। हाँ टीयर गैस बहुत गंदी चीज है भाई, ऐसा लगता मर जाऊंगा। हाँ। तो मेरे को एक आगे वाली वो बंदी थी, सब गए एक 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 बस में बिठाया था, बस में बिठा था एक। हाँ हाँ, और पूरा नाक इधर सब सब बह रहा है, मेरे को बोलती है 2 बचे थे और मैं 30 निकालूंगा तो ही फिनाले में जाऊंगा। तो मेरे को बोलती है शिव जाना, उठना क्या उठना। तो मैं बोला तू जा, मैं इधर ही मर जाऊंगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं इधर ही मरूंगा, तू टेंशन मत ले। तो उसने लाइन सुनी, खड़ी हुई और जंप मार दी। तो लास्ट में को 30 मिल गए। तो वो आई का फोन मेरे को काम आ गया कि मतलब भाई वैसा किसने बोला मैं वही मरूंगा, होगी कि मरेगा। क्या बात है, उसकी बहुत इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग जर्नी है, सीरियसली इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है कि हम ये बात सबको बोलते हैं लेकिन वी मीन इट कि भाई ये बात है या इनकी जर्नी इतनी बड़ी है कि एक पॉडकास्ट में कभी कवर ही नहीं हो सकती। और आप मेहनत करते रहो ना, और अगर आपको लगता है ना कि आपको कुछ करना है तो आम आदमी भी खास बन जाता है। करेक्ट। और भाई सच में आज से लगता है कि आप सबके हो, है ना। 100% 100%। और हम बहुत कम लोग होते हैं जिनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि यार तू खुश रहे, यार एक होता है ना कि यार तू बस खुश रहा, इंजॉय कर लाइफ, यू आर मतलब तुम गॉड के बच्चे हो, तो वैसे वाली फीलिंग आती है। एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी वही फीलिंग आ रही होगी। कैसा लगा आज की इस पूरी बात में, क्या लगा? नहीं मेरे को अभी ना, मैं बीच बीच में इंटरव्यूज और पॉडकास्ट, मेरे को था कि आप दोनों मतलब हम ऑडियंस एज ए ऑडियंस में बता दो, एक नॉर्मल पब्लिक होती है ना कि उनको मजा आता है कि ये लोग ना कहीं तो भी सच्चे वो आंखों में देखता है स्क्रिप्ट अपनी जगह। तो यहाँ पे मैं बैठ के ना मेरे को ऐसा लगा नहीं कोई स्क्रिप्ट है कुछ, ऐसे जैसे आपने बोला ऑफ कैमरा के पीछे बोला कि कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, हम नॉर्मल बात करने वाले हैं। और वैसे होता क्या ये कब बात करते करते ये दोनों चालू हो गए, और उन इन दोनों को जैसे हम कैमरा में देखते वैसे इधर भी बहुत मजा आया। तो मेरे को बहुत मजा आया, और होता है नेचुरल चीज। हाँ भाई वही हमने सोचा था कि ऐसी नेचुरली पॉडकास्ट ज्यादा अच्छा लगता है कि आप कैसे हो। शिव भाई की जर्नी तो हम सब ने देखी है, मतलब जर्नी नहीं कह सकती, अभी शुरुआत हुई है, जर्नी तो अभी बहुत बाकी है। लेकिन आप लोग शिव को अगले कौन से नॉन फिक्शन शो में या किसी फिक्शन शो में या किसी फिल्म में कहाँ देखना चाहते हो प्लीज कमेंट करिए, बिकॉज इट मीन्स लॉट टू हिम टू अस, क्योंकि हमें भी पता चले कि हम क्या करें। तो आप अगर हेल्प कर दोगे थोड़ी सी कि भाई शिव हम आपका गाना देखना चाहते हैं तो हम शिव के साथ गाना बनवाएंगे, अगर आपके साथ वेब सीरीज देखना चाहते हो तो शिव वेब सीरीज करेगा, मराठी फिल्म देखना चाहते हो, हिंदी फिल्म देखना चाहते हो, प्लीज कमेंट करिए और बताइए कि आप शिव को कौन से रूप में देखना चाहते हैं। यस शिव तो हर रूप में मिलेंगे। हर हर शंभू, थैंक यू सो मच शिव, बहुत अच्छा लगा। आप देखते रहिए LOL पॉडकास्ट और भारती टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारे नए वेंचर नवामी म्यूजिक को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वहां पर हमारा पहला गाना शंभू आ चुका है, शंकरा वो हम लोगों ने रिलीज किया है। सो प्लीज आप देखिए, उस पर प्यार दीजिए और बताइए आपको कैसा लगा, और मेरी एक्टिंग के बारे में जरूर लिखना क्योंकि उसके बाद ही मैं फिल्मों का बताऊंगी मैं करती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।